नमस्कार, बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे महाप्राण ध्वनि का जप किस प्रकार किया जाता है। इस जप को करने के लिए सबसे पहले पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में बैठ जाएं। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, यानी कि अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखें। तर्जनी उंगली और अंगूठे के अगले भाग को सटा कर रखें तथा बाकी उंगलियों को खोल कर रखें। अपनी आँखों को धीरे से बंद कर लें। अब धीरे धीरे सांस तब तक अंदर खींचें जब तक फेफड़े में पूर्ण रूप से वायु ना भर जाए। इसके बाद होठों को सीटी बजाने की तरह बनाकर भवरे के समान आवाज निकालते हुए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। इस तरह इस अभ्यास को 5 बार करें और धीरे धीरे अभ्यास के समय को बढ़ाते चले जाएं। बात करें अगर इस जप से होने वाले फ़ायदों की, तो इस जप को करने से बेहद फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो आपके अंदर एकाग्रता बढ़ती है, सांस को आप लंबे वक्त तक खींचने की प्रक्रिया में लाभान्वित होते हैं। बात करें अगर सबसे बड़े फ़ायदे की, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको करने से आप सकारात्मक होते हैं, अच्छी बातें आपके दिमाग में आती हैं और बुरी चीज़ों से, नकारात्मक बातों से आप दूर हो जाते हैं। ये जब आपको अंदरूनी ताकत देता है, आप अपने दिमाग और नर्वस सिस्टम को दुरुस्त रख पाते हैं। अगर एक तरह से कहें तो ये महाप्राण ध्वनि का जप आपके दिमाग के लिए एक चार्जर की तरह है जो आपके दिमाग को दुरुस्त बनाए रखता है। उम्मीद करते हैं महाप्राण के जप से आप भी फ़ायदा उठाना चाहेंगे और फ़ायदे उठाने भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा दिल दिमाग दुरुस्त है, वो सही काम कर रहा है, वो सकारात्मक है, तो हमारा जीवन भी पूरी तरह से सकारात्मक हो जाएगा और इस सकारात्मकता की हर किसी को आज बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ चाहते हैं आपसे इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।